तो हैंडहेल्ड सिनेमेटिक वीडियो शूट करते हुए काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक वीडियो आपको बहुत पसंद आता है, लेकिन पसंद के साथ साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है वो फुटेज शेकी आता है काफ़ी बार, मतलब स्मूथ फुटेज बिल्कुल ही नहीं आता। अब एक शेकी फुटेज को फिक्स कैसे किया जाए, तो पीसी में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें कि फ़ोन से आप कैसे शेकी फुटेज को स्मूथ बना सकते हैं और एक स्मूथ हैंडहेल्ड फुटेज कैसे शूट किया जाए उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये टेक्निक आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये टेक्निक लगभग हर फोन में आपको मिल जाएगा। तो इस टेक्निक्स का कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है, जो फुटेज आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा शेकी ना हो। ज़्यादा शेकी हो तो फिक्स करने के बाद उसमें वाइबल आ जाएगा और दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और दूसरी बात, आप जिस फ़ोन में इस टेक्निक को अप्लाई करने वाले हैं उस फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा हाई होना चाहिए, नहीं तो फ़ोन हैंग करेगा या तो वर्क अच्छे से नहीं करेगा। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मैं एक ऐप का यूज़ करने वाला हूँ, जो ऐप आपके शुरू से ही आपके सामने ही था, लेकिन आप शायद उसका यूज़ सही से नहीं जानते थे। क्या मतलब प्रीमियर वाले मारेंगे? अब उस ऐप का नाम है गूगल पिक्सल, नहीं पता था ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक काम भी देने वाला हूँ, आप अपने फ़ोन को ऐसे से ऐसे पकड़ लीजिए। मैं इस ऐप के बारे में बात कर रहा था, गूगल फोटोज़, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट ऑफ हो, नहीं तो ये ऑटोमेटिक अपडेट तो हो जाएगा और उसके साथ साथ फोटो भी ऑटोमेटिक अपलोड ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉट नाउ करना है और यहाँ पे आपको फुटेज को अपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरी जो ये वाला फुटेज है ये पहले देख लेते हैं कि कितना शेकी है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखना है कि ये कितना शेकी है, ठीक है। अब इसको हमें फिक्स करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर एडिट का जो ऑप्शन है नीचे, यहाँ पर हमें टैप कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हमें चूज़ करना है। अब यही मतलब कि स्मूथ का आइकन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा था कि जितना हाई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना अच्छे से आपका वीडियो स्मूथ होगा। तो बिफोर एंड आफ्टर देख लेते हैं पहले। तो इसने काफ़ी हद तक मेरा जो वीडियो है उसको स्मूथ किया है। मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि आपका जो फुटेज है वो थोड़ा सा कम शेकी होना चाहिए, तो ये ऐप उतना अच्छे से आपका वीडियो को स्मूथ कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव एज कॉपी, और यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बेसिकली वीडियो को एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको कर देना है सेव एज कॉपी, ठीक है, तो ये सेव हो जाएगी। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मोबाइल से आप कैसे सिनेमेटिक वीडियो शूट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया है। और ये नई सेटअप आपको कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इंजामुल भाई क्या सेटअप है, माशाल्लाह। और ये सेटअप करने में मुझे कितना खर्चा आया है और कैसे मैंने किया है, शायद मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।